टॉपिक है यूनिट फोर से है, क्या है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यूनिट फोर। इसमें आपको हीमोग्लोबिन टॉपिक रहता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आपको हीमोग्लोबिन में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे डिफरेंट, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें क्या आंसर पुट करना है। तो जैसे फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन या फिर जैविक क्रिया हीमोग्लोबिन की बतानी है आपको, या फिर O2 का संचरण, तो इस टाइप का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको आंसर यही पुट करना है जो मैं आपको बता रही हूं। अब यहां पर हम बात करेंगे मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के कार्य, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के कार्य बताऊंगी केवल दो आपको, ठीक है फ्रेंड। एंड नेक्स्ट बताऊंगी ऑक्सीजन परिवहन, क्या बताऊंगी ऑक्सीजन परिवहन। जो ऑक्सीजन परिवहन है इसमें आपको फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन या फिर जैविक क्रिया हीमोग्लोबिन या फिर O2 का संचरण, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के कार्य। फर्स्ट है हीमोग्लोबिन के आयरन परमाणु द्वारा ऑक्सीजन अणु के साथ बंध बनाते हैं। जो आयरन परमाणु द्वारा, किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के आयरन परमाणु द्वारा ऑक्सीजन अणु के साथ बंध बनाते हैं तथा ऑक्सीजन अणु को फेफड़ों से मांसपेशियों तक पहुंचाती है। कहां तक पहुंचाती है, फेफड़ों से मांसपेशियों तक पहुंचाती है। HB+4O2 HbO2, आयरन हीमोग्लोबिन के परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ बंध बना रहे हैं, ये यहां पर दिखाया गया है। नेक्स्ट है, और फ्रेंड ये ध्यान रखिएगा कि आपको जहां पे रिएक्शन मिल रही है वहां पे आपको रिएक्शन लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन से आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो आप जहां तक हो सकता है ये इतनी इजी रिएक्शन से ही आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन मांसपेशियों में ऑक्सीजन मुक्त करने के बाद ऊतकों में CO2 को अपने एमिनो समूह से बंध बनाकर फेफड़ों तक पहुंचाता है। क्या करता है, हीमोग्लोबिन मांसपेशियों में, हीमोग्लोबिन है जो वो हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन मुक्त करने के बाद, मतलब ऑक्सीजन छोड़ने के बाद ऊतकों से CO2 को, ऊतक है जो इसे ऑक्सीजन को फ्री कर दिया, और ऊतकों से O2 को अपने अमीनो समूह में बंद बनाकर अब जो ऊतक है उसमें जो CO2 है उसको हीमोग्लोबिन है जो वो अपने अमीनो समूह में बंद बनाकर ले जाएगा और फेफड़ों तक पहुंचा देगा। तो ये दो फंक्शन हो गए, पहला ऑक्सीजन अणु के साथ बंद बनाकर ऑक्सीजन अणु को फेफड़ों तक पहुंचाएगा, और दूसरा किसको, फेफड़ों मतलब जो ऊतक है उसमें CO2 को अपने अमीनो समूह से बंद बनाकर फेफड़ों तक पहुंचाएगा, ठीक है, पहले मांसपेशियों फिर फेफड़ों। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन परिवहन की। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। मैंने फर्स्ट बताया मानव शरीर के जो कार्य थे कि जो ऑक्सीजन को बंद बनाकर मांसपेशियों तक पहुंचा रहा है, तो किसका कार्य करता है, परिवाहक का। हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन वाहक की क्रिया उत्क्रमणीय होती है, क्या होती है, हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन वाहक की क्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है। आपको फ्रेंड जो ऑक्सीजन परिवहन है इसमें O2 संचरण या फिर जैविक क्रिया हीमोग्लोबिन, दोनों ही ऑप्शन क्लियर हो रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। एंड नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन रूप को ऑक्सी हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन रहित रूप को डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है कि हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन रूप को क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो ऑक्सीजन रहित रूप है उसको क्या कहेंगे, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe2 निम्न चक्रण अवस्था में होता है तथा प्रतिचुंबकीय होता है। अब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कौन से होंगे, जिसमें ऑक्सीजन होगी वो होंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe2 निम्न चक्रण अवस्था में होते हैं, जो Fe होंगे वो निम्न तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब बहुत स्लोली, और प्रतिचुंबकीय भी होते हैं, ये प्रतिचुंबकीय गुण प्रेजेंट करते हैं अपना। एंड नेक्स्ट है इस प्रकार यही आकार होता है जिससे वह पोराफायरिन चक्र के केंद्र
के छिद्र में आसानी से समा जाते हैं। इसी प्रकार यही सही आकार होता है जिससे पोराफायरीन चक्र में केंद्र के छिद्र में आसानी से समा जाते हैं। वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है उसे क्या कहेंगे, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe प्लस उच्च चक्रण अवस्था पाया जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में निम्न चक्रण अवस्था पाई गई थी, यहाँ पे क्या पाई गई है, उच्च चक्रण अवस्था पाई गई है, तथा अनुचुंबकीय होते हैं, बिल्कुल अपोजिट, मतलब वो प्रतिचुंबकीय थे, ये अनुचुंबकीय, जिससे उनका आकार अधिक होता है, जिससे इसका आकार बड़ा हो जाएगा और इसका जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसका आकार छोटा हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, उच्च चक्रण Fe प्लस का आकार निम्न चक्रण Fe 2 प्लस की तुलना में 28% अधिक होता है। जो Fe उच्च चक्रण है उसका आकार निम्न चक्रण की तुलना में बड़ा होगा, जैसा कि पहले ही क्लियर हो गया था कि वो प्रतिचुंबकीय होंगे और ये अनुचुंबकीय और इनका आकार बड़ा होगा। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होंगे, इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का आकार छोटा होगा और हीमोग्लोबिन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का बड़ा होगा। तो यहाँ पे इसकी परसेंटेज दे रखी है कि 28% अधिक होगा, अतः डीऑक्सी हीमोग्लोबिन पोराफायरीन चक्र के केंद्र में नहीं आता। मतलब जो ये तो आ गया था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पोराफायरीन चक्र में समा गया था, आपने देखा होगा सेकंड में कि ये उसमें समा गया था, पोराफायरीन चक्र के केंद्र में आसानी से समा जाता है, बट यहीं पे अपोजिट होता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में कि ये पोराफायरीन चक्र में के केंद्र में समा नहीं पाता। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, इस प्रकार ऑक्सीजन की उपस्थिति की ऑक्सीजन की उपस्थिति को Fe प्लस के इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में परिवर्तित होता है तथा संकुल का आकार भी विकृत हो जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन की उपस्थिति Fe 2 प्लस के इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि ये पोराफायरीन चक्र में नहीं जा पाया, इसीलिए इसकी जो प्रवृत्ति है वो चेंज हो जाएगी, परिवर्तन चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में परिवर्तन होगा तथा संकुल का आकार भी विकृत हो जाएगा। संकुल का आकार क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके साथ ही ग्लोब्यूलर प्रोटीन की उपस्थिति भी आवश्यक है। ये सब प्रोसेस तो हो रहा है बट यहाँ पे ग्लोब्यूलर प्रोटीन की प्रेजेंटेशन जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर Fe प्लस का Fe 3 प्लस में ऑक्सीकरण नहीं होने देता। जो Fe 2 प्लस है वो Fe 3 प्लस का ऑक्सीकरण नहीं होने देगा, इसीलिए ग्लोब्यूलर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी हमें। बात करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अणु मुक्त होने की क्रिया H2 द्वारा प्रतिस्थापित होने से होती है। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसमें ऑक्सीजन जो अणु है वो मुक्त कैसे होंगे, जब H2O प्रतिस्थापित हो जाएगा, दूर हो जाएगा, H2O दूर हो जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अणु को मुक्त कर देंगे। इसके बाद हीमोग्लोबिन का प्रोटीन भाग H+ अवशोषित कर लेता है, H2O को प्रतिस्थापित कर लेगा और H+ को अवशोषित कर लेगा। नेक्स्ट है, यह प्रत्यक्ष रूप से ऊतकों में CO2 दूर करने में सहायक है। वास्तव में CO2 घुलनशील HCO3 तथा H+ में परिवर्तित हो जाता है। क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से ऊतकों में CO2 दूर करेगा, CO2 को दूर कर देगा ऊतकों से। वास्तव में CO2 घुलनशील है HC3 तथा H+ में परिवर्तन हो जाता है। ये घुलनशील है और इसमें क्या कर देगी, परिवर्तन कर देगी। रक्त HCO3 आयन तथा हीमोग्लोबिन H+ को दूर हटा देता है। जो HCO3 आयन है वो हीमोग्लोबिन से H+ को दूर हटा देगा। रक्त शिराओं द्वारा हृदय को चला जाता है। अब जो दूर हटाने के बाद क्या होगा, ये रक्त शिराओं द्वारा हृदय तक चला जाएगा। नेक्स्ट है, यहां से यह फेफड़ों को भेजा जाता है। सिराओं में चला गया, रक्त सिराओं में चला गया, हृदय रक्त सिराओं में चला गया। अब यहां पर HC3 आयन पुनः CO2 में परिवर्तित हो जाएगा। जो HC3 आयन है यहां वाला, वो फिर से किस में चेंज हो जाएगा,
CO2 में चेंज हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। ये सिराओं में गया, सिराओं द्वारा हृदय में चला गया, फिर फेफड़ों में भेजा गया, अब फेफड़ों से फिर ये CO2 में चेंज हुआ और फिर ये बाहर निकल गया, तथा रक्त पुनः ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, और रक्त है वो फिर से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। जो ये पूरा प्रोसेस मैंने बताया है 7-8 पॉइंट्स में, ये प्रोसेस बार बार होता है, बार बार होता रहता है, जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये था O2 का संचरण या फिर फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, O2 का संचरण या फिर फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, जैविक क्रियाएं या फिर मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के कार्य। आप कुछ भी आए आपको लिखना यही है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे